जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू को जनता ने प्रचंड बहुमत से लोकसभा सांसद का ताज पहनाया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी के निर्देश अनुसार शहर के पुराने बस स्टैंड पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कैलाश शर्मा नागदा व दीपक पाटीदार गिनोदा ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर हुई सभा का संचालन ओम प्रकाश मौर्य ने किया तथा सभा को हेनरी मचार, भंवर सिंह पंवार, पूर्व पार्षद योगेश मीणा, इरशादुद्दीन शेख, अंतर सिंह तोमर, बबलेश पाटीदार, राधेश्याम राव, अरुण पोद्दार, रोशन सिंह सिकरवार, चेतन परमार आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का आभार सचिन रघुवंशी ने माना। इस अवसर पर मुकेश बालोदिया, हरंगी तिवारी, मुन्नालाल चौधरी, दीपक चौधरी, मनीष धीमन आदि आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि आम आदमी पार्टी के हर क्षेत्र में, हर राज्य में बढ़ते कदम आज मैं बड़ी ही खुशी और प्रशंसा से ये बात कह रहा हूँ कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक तरफा तानाशाह का एलजी का राज हुआ करता था, आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं आवाज़ दबाने का काम किया करता जाता था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो भी सरकार जन आदेश से चुनी गई है उसे सभी अधिकार स्वतंत्र तरीके से लेने का उसको अधिकार है। तो और दूसरी खुशी यह है कि आज पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पर विश्वास करके आम आदमी की सरकार वहाँ के निवासियों ने बनाई थी जनमत आदेश देकर, आज उन्हें भगवत मान जी के द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए थे उसी का परिणाम है कि जालंधर में आज अपने रिंकू जी को भारी प्रचंड बहुमतों से आज सांसद का ताज आम आदमी की पार्टी और वहाँ की जनता ने पहना जाए। इस अवसर पर आज हमने अपने हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष के निर्देश अनुसार नागदा में भी एक जश्न का माहौल किया है और जश्न मनाया है। मैं आज इस अवसर पर मैं हमारे आदरणीय हेनरी मचार जी से निवेदन करूं कि वो आप अपनी बात रखकर जश्न का माहौल को क्रिएट करें। आज बड़ी खुशी की बात है, आम आदमी पार्टी में हमारे बीच में पाटीदार जी और हमारे मार्गदर्शन देने वाले आज हमें एक मजबूत प्रतिनिधित्व मिला है शर्मा जी के द्वारा, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ कि आज इन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। निरंतर आम आदमी पार्टी कदम से कदम सफलता की ओर बढ़ती जा रही है। आज बड़ी खुशी की बात ये भी है कि लोकसभा उपचुनाव के अंदर हमारे रिंकू सिंह जी ने लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के निर्वाचित हुए हैं और भारी अच्छे बहुमत से वो विजयी हुए हैं। 58,000 वोट से जीतना छोटी मोटी बात नहीं है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, रोजगार की करती है और महंगाई के लिए लड़ाई लड़ रही है। आपको बड़ी खुशी की बात तो यह है कि निरंतर हम अग्रसर बढ़ते जा रहे हैं और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी अपने एक अच्छा प्रदर्शन करेगी और निश्चित लोगों का विश्वास और समर्थन हमको मिलेगा और हम मध्य प्रदेश में भी जीत कर आएंगे। बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि
हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि लुधियाना से पंजाब के अंदर विजय श्री भाई है, और इस हर्ष के साथ नागदा नगर के केला जी शर्मा को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, और मैं ओम प्रकाश जी मौर्य को निवेदन करूं को सदस्यता ग्रहण कराए। पार्टी में दीपक जी पाटीदार गिनोदा के हैं, और आम आदमी पार्टी को प्रेरित होकर पाटीदार जी की सदस्यता ले रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगे। जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक के सिराज भाई स्वागत करें और उनको सदस्यता देना है। भारत माता की जय।